अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स रावलपिंडी में खुश आमदीद कहते हैं आपको। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। टाइम ना होने की वजह से मैं बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, उन लोगों के लिए जिनको मैंने कहा था जी मैं आप लोगों को साथ ले कर चलूँगा और रिंगनेक की टिप्स मैं आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है। तो ये रिंगनेक का दाना है जी, ये मैंने मिक्स करवाया है रिंगनेक का दाना, ये आप देख सकते हैं। इसमें बलगारी भी है और सूरजमुखी भी है, ठीक है। बलगारी कहते हैं ये सूरजमुखी से थोड़ा सा बड़ा, जिसको ईरानी भी लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये ईरानी, बलगारी और सूरजमुखी, ठीक है, और ये सारा मिक्स है दाना। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस मिक्स सीड में आज मैं क्या ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो मैंने आप लोगों को दिखाना था। ये खाली बातें नहीं है जी, ये हकीकत भी है, ठीक है। ये दाना हमने डाल ली अपने रिंगनेक के लिए। ये तकरीबन 250 ग्राम दाना है जो मेरा एक पेड़ को कम से कम एक हफ़्ता जो है वो चल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये खुश्क झींगे हैं, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं खुश्क झींगे, ठीक है। और ये खुश्क झींगे हमने एक पेड़ को हमने डाल देने हैं तकरीबन, जो पहले डाले हैं और ये इतने, ठीक है। एक पेड़ को ये डाल दिए, साथ हमने जो है सूखे हुए बारीक वाले झींगे, ठीक है, ये बारीक वाले झींगे हैं ये हम लोगों ने डाल दिए। तो ये ब्रीडिंग से थोड़ा सा पहले जो है ये देखें और मैं डाल रहा हूँ ये, ठीक है, ये मैंने डाल दिए। और साथ ये मैंने थोड़े से जो साइज़ में थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, झींगे ये मैंने डाल दिए। और इसको मैंने इस तरह दाने को मिक्स कर दिया और अब ये तकरीबन एक हफ़्ता जो है ये 250 ग्राम दाना, एक पाव दाना जो है वो तकरीबन मेरा एक हफ़्ता एक पेड़ आराम से जो है, सिर्फ मैंने इनका पानी चेंज करने आना है या फ्रूट डालने आना है, ठीक है। साफ़ फूड अभी इन दिनों में आप लोगों ने नहीं देना क्योंकि बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से जो है वो फंगस लगती है सॉफ्ट फूड को। तो जब ये बारिशें रुक जाएँ फिर आप लोगों ने सॉफ्ट फूड शुरू कर देना है, ठीक है। आप लोग एग ब्रेड दें अपने बर्ड्स को, दालें भिगो के दें या कोई सा भी सॉफ्ट फूड आप देना चाहें वो आप लोग दे सकते हैं। तो टाइम ना होने की वजह से बिल्कुल बहुत सी शॉर्ट सी वीडियो है, आप लोगों को ये टिप देनी थी। ये एक ब्रीडिंग फार्मूला आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इससे बर्ड्स आपके बहुत जल्द ब्रीड पर आते हैं और फर्टिलिटी का जो मेन मसला आता है कि जी बर्ड्स फर्टाइल नहीं करते एग को, हालांकि लोगों ने दो दो तीन तीन चार चार साल से पेड़ लगाए होते हैं, वो अंडे भी दे रहे हैं, इंक्यूबेट भी कर रहे हैं, टाइम भी पूरा दे रहे हैं, लेकिन फर्टाइल नहीं हो रहे। तो ये झींगों से इंशाल्लाह जो है वो बर्ड जो है वो एग फर्टाइल करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।